The DTC strike has certainly left the Delhi government in a tizzy, with commuters having a tough time in absence of DTC buses on roads. The Kejriwal government has been under pressure to provide Rs. 1 crore compensation to the deceased family and also to tackle the problem being faced by commuters. कल शाम को सरकार ने उनके परिवार के लोगों से संपर्क किया था, उनकी पत्नी से, उनकी बेटी से। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी जो पहले हमने घोषणाएं की थी। सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि उनके परिवार में उनके बेटे को पक्की नौकरी देगी सरकार, उनकी बेटी की पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उठाएगी सरकार, उनकी पत्नी का जो इलाज चल रहा है उसके इलाज का खर्चा उठाएगी सरकार, और इसके साथ साथ और भी जो तात्कालिक ज़रूरतें हैं उसके लिए पहले ही 5 लाख रुपए का अनाउंसमेंट सरकार कर चुकी है। सरकार पूरी तरह से उस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ है और हर तरह की जिम्मेदारी को मदद के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन के लोगों ने हड़ताल करा करके पूरे दिल्ली के 45,000 लोगों के जनजीवन को त्रस्त किया, 45 लाख लोगों के जनजीवन को त्रस्त किया, उससे सरकार चिंतित है। जो लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी। हमने डिपार्टमेंट को ये आदेश दिया है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की टीम, तमाम जो हमारे सिविल डिफेंस की टीम है, हमने सुबह LG साहब से भी बात की है और पुलिस के लोगों से भी हमने निवेदन किया है लिखित तौर पर कि जगह जगह दिल्ली की जनता की सेवाओं को अबाध रूप से चलने में वो मदद करें, और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है किसी की भी गुंडागर्दी और किसी की भी दादागिरी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम दिल्ली के अंदर नहीं चलने देंगे। दिल्ली की जनता की सेवा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसको हम पूरा करेंगे। पावर्ड बाय NNIS।